अगर आप उत्तराखंड की हसीन वादियों का दीदार करने के लिए आ रहे हैं तो आपके लिए ये खबर बहुत जरूरी है। अब आप उत्तराखंड अपनी गाड़ी से आते हो तो उसके लिए आपको अपनी गाड़ी में डस्टबिन या फिर गार्बेज बैग रखना होगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो चालान कटने के साथ ही आपकी गाड़ी सीज भी हो सकती है। दरअसल देवभूमि उत्तराखंड में हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु पर्यटक आते हैं। उत्तराखंड आने वाले पर्यटक और श्रद्धालु कचरा जहां तहां फेंक देते हैं, जिससे पहाड़ों में गंदगी फैलती है और पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है, जिस कारण शासन प्रशासन ये सख्त रुख अख्तियार किया है। अब उत्तराखंड में एंट्री करने वाले सभी यात्रियों को अपनी गाड़ी में डस्टबिन या फिर गार्बेज बैग लगाना अनिवार्य कर दिया है। वहीं अगर जो यात्री गाड़ियों में डस्टबिन या फिर गार्बेज बैग नहीं लगाएंगे तो उनका चालान काटा जाएगा। इसको लेकर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने नियमित रूप से चेकिंग और चालान के निर्देश दिए हैं। देहरादून आरटीओ शैलेश तिवारी ने बताया कि गाड़ियों में डस्टबिन लगाने से पहले भी अनिवार्य था, लेकिन इस पर अभी तक ध्यान नहीं दिया जा रहा था। ऐसे में मुख्य सचिव के निर्देश के बाद इसे सख्ती से लागू कराया जा रहा है। तो जो गाड़ियों में खासकर जो खाने के बाद या फल के टुकड़े या केले के छिलके इत्यादि रहते हैं, बॉटल्स रहते हैं, लेज के रैपर्स होते हैं, देखा होगा जगह जगह बिखरे होते हैं, तो इन सब से बचाव के लिए ये डस्टबिन रखना जरूरी है और यह मैंडेटरी भी है। हम लोग अभियान भी चलाने जा रहे हैं, बीच बीच में कार्रवाई हम लोग करते भी हैं, लेकिन इसको विशेष रूप से फोकस करते हुए यात्री वाहनों में डस्टबिन या गार्बेज बैग अगर नहीं पाया जाएगा तो उनका चालान किया जाएगा। राज्य की प्राकृतिक स्वच्छता बनाए रखना और पर्यावरण का संरक्षण उत्तराखंड के निवासियों के साथ ही लाखों की संख्या में आने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं की सामूहिक जिम्मेदारी है। बता दें कि उत्तराखंड आने वाले अधिकतर श्रद्धालु गंदगी फैलाते हैं और इसी को लेकर उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने यह फैसला लिया है। अब देखना यह है कि उनका यह फैसला देवभूमि में कितना कारगर होगा। देहरादून से पंजाब केसरी टीवी के लिए आशीष रमोला की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।